सर, राजीव सर, वी यस यस कैन स्टार्ट। या श्योर। नमस्ते एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर राजीव महतो है। मैं एनसीईआरटी में सीनियर एकेडमिक कंसल्टेंट हूँ। सबसे पहले कंफर्म करिए कि आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। कोई एक यस कहिए अनम्यूट होकर के। ओके, यस क्या सर, आप सब मेरा शेयर किया हुआ स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर, यस सर। यस सर, ओके सर। ठीक है। शिक्षा से जुड़े यस सर, जितने भी सहभागी हैं सबको हमारा सादर प्रणाम। और ये हमारा विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। इस टॉपिक में आप गौर करिए, कुल 6 विषय 6 शब्द हैं। तो पहले हम लोग इस टॉपिक को ही समझते हैं। शब्द मैंने कहा इसमें 6 हैं। तो शब्द उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक कंटेंट, जैसे कि यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, ये सारे कंटेंट वर्ड्स हैं। कंटेंट वर्ड्स वो होते हैं जिसमें आपको मीनिंग मिलता है, और वो मीनिंग ऐसा होता है जिससे संबंधित आप एक इमेज आपके दिमाग में आता है, या कोई ऐसी वस्तु आती है जिसे आप छू सकते हैं या अनुभव किया हो, इस तरह के। तो वो कंटेंट वर्ड्स होते हैं। इसमें ज्यादातर नाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे हमने कहा ब्लैक, तो ब्लैक कहते ही आपको एक काली अंधेरी रात किसी को इमेजिन कर सकता है, कोई काला कपड़ा इमेजिन कर सकता है, कोई ब्लैक बॉक्स इमेजिन कर सकता है, इस तरह से। और दूसरा कैटेगरी है फंक्शनल। जैसे ये 2 शब्द देखिए, फॉर और अ, तो ये इनके मीनिंग्स होते हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स फिक्स्ड होते हैं। ये जो पहली कैटेगरी हमने बताई, ये वाली कंटेंट वर्ड्स की, इनके मीनिंग इवॉल्व होते हैं, और ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे नए वर्ड्स जुड़ते जाते हैं। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि आज एक नया सर्वनाम हमारे हिंदी भाषा में जुड़ा, या आज एक नया प्रिपोजिशन हमारे हिंदी भाषा में जुड़ा। तो ये फिक्स्ड कैटेगरी होती है फंक्शनल वर्ड्स की। तो अब हम इस टॉपिक में जो शब्द यूज किए गए इनको समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। फॉर और ए मुझे व्याख्या करने की शायद आवश्यकता नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें एक प्रमुख टर्म है। आर्टिफिशियल का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखिए तो उसका जो मतलब है वो कृत्रिम, मतलब मशीन के द्वारा बनाया हुआ, मशीन पहले या इंसानों के द्वारा बनाया हुआ, इंसान अपने हाथों से बनाए या मशीन से बनाए, उसको हम कृत्रिम कहेंगे। और इंटेलिजेंस किसको कहेंगे? इंटेलिजेंस हम उसको कहते हैं जैसे हमारे सामने कुछ आंकड़े आए, कुछ रिपोर्ट आई, कोई एक इंफॉर्मेशन आई, या हमने कुछ पढ़ा। इन सब पर आधारित जब हम एक डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो उस क्षमता को इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये एक मनुष्य का बौद्धिक क्षमता है। जैसे अभी आप इस मीटिंग के बाद मान लीजिए अपने कार्यालय से या अपने घर से निकल रहे हैं, और सामने टी पॉइंट पे बाई ओर का जो रास्ता है उसमें बहुत जाम लगा है, तो आप बाई ओर ना जा करके टी पॉइंट से दाई ओर जाएंगे और सोचेंगे कि मैं आगे चल करके कहीं उस रास्ते में जुड़ जाऊंगा। तो ये एक इंटेलिजेंस है जो आपका खुद का है, मनुष्य का इंटेलिजेंस है। लेकिन ये काम जब मशीन के द्वारा हो, इस तरह के निर्णय लिए जाएं, तो इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। अब रियल और आर्टिफिशियल, ये 2 बातों के बीच में हम जरा फर्क समझने की कोशिश करते हैं। वैसे नोशनल डिफरेंसेस तो आपको बहुत मिलेंगे,
पन्ने भर जाएंगे। मैं बहुत साधारण तरीके से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी जो कोई चीज असली है या कोई चीज वास्तव में है या नहीं, इसका हम आभास अपने पांच ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। हमारे जो पांच इंद्रियां हैं उस पर आधार करके करते हैं। जैसे हम आंख से देख के बता सकते हैं कि हाँ ये चीज है, वास्तव में है। छू के बता सकते हैं या फिर चख के बता सकते हैं कि हाँ ये खाने में ऐसा लगता है। सूंघ के बता सकते हैं, सुन के बता सकते हैं। तो ये पांचों इंद्रियों को यूज करने पे जो हमें रिस्पॉन्स देने वाले तत्व तो वो सारे रियल हैं। आर्टिफिशियल में फर्क ये है कि हम देख उसे सकते हैं, क्योंकि कैमरा है, कैमरा द्वारा जनरेट किया गया इमेज है, वीडियो है। सुन भी सकते हैं, छू नहीं सकते और सूंघ भी नहीं सकते। तो ये एक बेसिक फर्क है, एक जो आर्टिफिशियली जनरेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं और जो असली में है। अब हम चलते हैं एआई के एजुकेशन में क्या रोल है उसके ऊपर। तो एआई का बहुत वाइड रोल है, खास तौर से तब जब हमारा क्लासरूम एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है, जिसमें विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले बच्चे क्लासरूम के अंदर है। तो इस चीज का मैं कहूंगा NAP 2020 से शुरुआत होता है। जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें मदर टंग को, मातृभाषा को या घर में बोली जाने वाली भाषा को प्रमुखता दी गई है और उसी पर आधारित पठन पाठन की व्यवस्था की जाए, ऐसा उसमें उल्लेख है। और ये यूनेस्को का मैंडेट है। बेसिकली 80 के दशक में यूनेस्को ने ये चीज मैंडेट किया दिया था कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। और इसी चीज को अब इम्प्लीमेंट किया गया है। कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ भारत में प्रोफेसर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा करियर दे दिया मातृभाषा के एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में। जैसे आप लोगों ने प्रोफेसर अजीत महांती का नाम सुना होगा। उन्होंने मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात की भारत में और उड़ीसा में, इम्प्लीमेंट भी किया। ऐसे ही ग्लोबल स्तर पर टोबी स्कुदनाग कंगास हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पे दे दिया। उनका कहना है कि अगर हम मातृभाषा का उपयोग पठन पाठन में नहीं कर रहे हैं तो हम बच्चों को वंचित रख रहे हैं। ये एक तरह का भेदभाव है और इसीलिए लिंग्विस्टिक राइट्स की बात की जाती है। आपका अपने ही भाषा में शिक्षा प्राप्त करना आपका हक है, ये एक लिंग्विस्टिक राइट्स है। इसके थ्रू जब नई शिक्षा नीति 2020 इसी चीज को प्रशस्त करता है और इससे एक तरह का सोशल जस्टिस दिया जा रहा है भारत में लोगों को। तो मदर टंग बेस्ड एजुकेशन का उल्लेख 4.11, 4.12 और 4.14 जो NAP 2020 डॉक्यूमेंट है उसके इन क्लॉजेस में उसका उल्लेख है। और इसके बेनिफिट्स, कॉग्निटिव बेनिफिट्स बहुत हैं और सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ते जाते हैं। जैसे अभी आप कोई एक भाषा बोलते हैं, जो अब हमारे पास टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं भारत में, लेकिन बोली जाने वाली भाषाओं की अगर संख्या गिनी जाए तो जो लिंग्विस्ट्स हैं भारत में, भाषाविद, उनके अनुसार 1600 भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। कुल 5 भाषा परिवार हैं। तो उन सारे भाषाओं में जब पठन पाठन होगा तो उससे रिलेटेड रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति होगी, उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल डिजाइन होगा, तो इससे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो इसलिए फायदे असंख्य देखो हैं। मुझे चल रहा है, जरूर तो बाटे नहीं खो अन पर सा बाटे तो नहीं खार बाद में फूल से सब मुकत कैन काशिन पाठ और कुछ माँ यू प्लीज म्यूट दिस पर्सन हु इज स्पीकिंग इन बिटवीन। तो करा पर दावा आप एक दूसरे एक जगह पर हम लोग माँ राशन फट्टा मना यही केदा तो आपको दिक्कत पर दावा पसा राठौड़ एक्सक्यूज मी मैडम, सर, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, बंद कीजिए माइक। हाँ जो आंसर लेता अने मैं कुछ ओके, सो अब हाँ, तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात तो कर दी गई, लेकिन इससे संबंधित जो समस्याएं हमारे सामने हैं, जैसे आप लोगों में से कुछ क्लासरूम में फेस भी करते होंगे कि
टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की कमी है और ट्रेंड मल्टीलिंगुअल टीचर्स की भी कमी है। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिससे अभी हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड समाधान की ओर शुरुआत हो चुके हैं। तो आज का ये सेशन इसी बारे में होगा कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में हम ऐसे क्या टूल्स हैं जिनको यूज करें, और वो एआई बेस्ड टूल्स हैं जिसके सहायता से हम एग्जिस्टिंग मटेरियल से ही हम मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के जो भी उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर सकें और बच्चों को उनकी ही भाषा में समझाने में हम कामयाब हो सकें। तो आज का सेशन शिक्षकों के लिए है और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा इस सेशन से। तो थोड़ा सा मैं टेक्निकल बता देता हूँ। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल की बात करते हैं एजुकेशन में, तो सबसे प्राइमरी जो चीज हमारे सामने आती है वो आती है जनरेटिव एआई। इसको आप कई जगह जन एआई लिखा हुआ भी देखेंगे, जनरेटिव एआई। जैसे आप लोगों में से कईयों ने चैट जीपीटी यूज किया होगा, तो वो एक जनरेटिव एआई है। तो जनरेटिव एआई का प्राइमरी प्रिंसिपल जो होता है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ और आप समझ रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं जो भाषा बोल रहा हूँ वो भाषा आपने आप भी जानते हैं, आप बचपन से जानते हैं, या आपने पढ़ा होगा, या जो दूसरे राज्य के लोग हैं जहाँ हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है लेकिन उनका भी एक्सपोजर रहा है हिंदी के प्रति, और या तो उन्होंने सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ा या अन्य संचार के माध्यमों से सीखा। तो ये एक नेचुरल वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है जिसमें ये भाषा फली फूली और हम दोनों इस भाषा को शेयर करते हैं। तो हम इसको समझ, जब भी मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ भी पा रहे हैं और समझने के बाद आप रिस्पॉन्स भी कर पाएंगे, तो इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये जो समझने की प्रक्रिया है ये नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग NLU। तो ये एक प्रमुख चीज है। जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चैट जीपीटी सही उत्तर नहीं दे रहा है, तो उसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो हम प्रॉम्प्ट उसमें डाल रहे हैं वो प्रॉम्प्ट ऐसा नहीं है जो उसको सफिशिएंट मतलब पूर्णता समझा सके कि हमारी आवश्यकता क्या है। तो इसके लिए प्रॉम्प्ट्स का सही लिखा जाना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारा नेचुरल लैंग्वेज है उस मशीन को समझ में आ सके और वो नेचुरल लैंग्वेज ही हमारे लिए जनरेट कर सके। तो ये दो चीज आज हम लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे। नेचुरल लैंग्वेज में हम इनपुट डालेंगे जिसको प्रॉम्प्ट कहते हैं GPT के लैंग्वेज में, और वो आंसर क्या दे रहा है वो जनरेशन। तो हम थोड़ा सा ये जो AI टूल्स हैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं इसकी क्षमताओं के बारे में जान लेते हैं। AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स आ चुके हैं जो एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन एंड सबटाइटलिंग भी शुरू हो चुकी है, और NER नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। जैसे आपने कुछ समय पहले एक ऐड आ रहा था, आपने देखा होगा गूगल का, जिसमें वो एक इमेज को ऐसे गोल घेर देते थे और उतने में ही वो रिकॉग्नाइज करके बता देता था कि वो क्या है। तो बेसिकली गूगल लेंस का ही वो एक एक्सटेंडेड फीचर है। तो नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन उससे होता है। ऐसे ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे ही ये आपका चैट GPT और इस तरह के जितने हैं ये सारे बेस्ड हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या हैं, जैसे आप ध्यान करें कि मैं इंग्लिश का उदाहरण ले रहा हूँ। इंग्लिश में अल्फाबेट 26 हैं और इससे हम शब्द कितने बनाते हैं, लाखों। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कितने शब्द जानते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, तो शायद अभी इंस्टेंटली आप जवाब ना दे सकें, लेकिन कोई भी B2 लेवल का स्पीकर अगर किसी में है तो वो कम से कम 10,000 शब्द उस भाषा के जरूर जानता है। आप महसूस नहीं कर पाते हैं कि मैं इतनी बड़ी शब्दावली मेरे साथ चल रही है, लेकिन आप गौर करेंगे और जब आप बेसिक जैसे से ऑक्सफोर्ड 5000 में मूव करेंगे या उससे ऊपर मूव करेंगे तो देखेंगे कि ये सारे शब्द तो मुझे आते हैं। तो वैसे ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस उदाहरण के माध्यम से कि वो 26 अल्फाबेट
कैरेक्टर से हमने हजारों वर्ड सीखा और उन हजारों वर्ड से असंख्य हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो एक इंसान की वो क्षमता है। और ये जो एलएलएम मॉडल है हमारा, ये एक मॉडल हर इंसान के लिए जवाब दे सके, इसके लिए इसकी ट्रेनिंग इतने ज्यादा तादाद में हुई है, इतने ज्यादा तादाद में इसमें लैंग्वेज के सैंपल्स डाले गए हैं कि वो असीमित लगता है। हालांकि ये मैं यहाँ बात क्लियर कर दूं कि कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपके सामने मॉडल आया है तो वो प्री प्रोग्राम्ड है। प्री प्रोग्राम होने का मतलब ही हो गया कि उसमें जो भी चीज इनपुट डाली गई है, डेटा डाली गई है, वो सीमित होगी। लेकिन वो सीमित डेटा की सीमा इतनी ज्यादा है कि एक एंड से दूसरा एंड दिखेगा नहीं। मतलब आप जितनी बार उसमें क्वेश्चन डालेंगे उतनी बार वो नया आंसर देता रहेगा जब तक आप उसे कहना दें कि अब आंसर नहीं चाहिए। तो इसलिए इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। आपको यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, जैसे मैं अभी 26 अल्फाबेट की बात कर रहा था, तो ऐसे ही जब गूगल शुरू हुआ था एक ब्राउजर के रूप में, तो गूगल ही था सर्च इंजन, और फिर जीमेल आया, ऐसे कर करके उसके प्रोडक्ट्स बनते गए। तो जब कई सारे प्रोडक्ट्स यूट्यूब और ये आप जो तमाम चीजें देख रहे हैं गूगल ड्राइव में, ये सारे के करके प्रोडक्ट जुड़ते गए, तो इनके एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात है। तो इसी वजह से ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनकी जो 26 अल्फाबेट है, इनकी क्षमता के आधार पर ही उन्होंने अपने पेरेंट कंपनी का नाम अल्फाबेट रखा, क्योंकि उस अल्फाबेट को जोड़ जोड़ के जो चीजें बनती हैं वो अनलिमिटेड बनती है। नेक्स्ट जो चीज है वो है टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच आप जैसे देखते होंगे, आप लोग वॉइस कमांड दे करके सर्च कर रहे हैं ऑलरेडी अपने ब्राउजर में, या आप कोई एमएस वर्ड में आप कोई चीज लिखते हैं तो उसको वो ऑटो रीड करता है। तो ये टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट, ये ऑलरेडी एक इंटरफेस तैयार हो चुका है। और एक नई चीज जो हम लोग आज देखेंगे वो स्पीच टू स्पीच होगा, और ये हमारा ही भारत का, हमारे भारत का ही एक बनाया हुआ टूल है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो एआई पावर्ड टूल्स मल्टीलिंगुअल कंटेंट क्रिएशन के लिए बने, वो सबसे पहले जो हमारे 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं भारत में, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, इन्हीं के ऊपर बने। लेकिन फिलहाल जो जितनी प्रमुख भाषाएं हैं भारत में उनके ऊपर अब कंटेंट क्रिएशन करने की कैपेसिटी आ चुकी है। तो मैं अभी जो आपको टूल बताने जा रहा हूं उसमें इकट्ठे ही जीपीटी मॉडल्स, जीपीटी अभी जैसे मैंने यहाँ पीछे बताया आपको, यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जनरेटिव एआई, तो ये बेसिकली जीपीटी मॉडल है। जीपीटी मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर मतलब आप जानते हैं, जो एक चीज को दूसरे चीज में बदल दे। प्री ट्रेंड मतलब पहले से तैयार किया हुआ, और जनरेटिव मतलब जो उत्पन्न कर सके। तो ऐसे ही एक मॉडल की हम अभी चर्चा करेंगे जिसमें हमें ये साइडर फ्यूजन GPT-4.0, ये चैट जीपीटी का है, ओपन एआई का, क्लॉड का 3 हाइकू है, ये गूगल का Gemini 1.5 है, और ये मेटा का Llama 3। ये सारे पांचों जीपीटी हमें एक जगह मिलेंगे। हम लोग अभी इसी की चर्चा करेंगे। तो हमारे टूल का नाम है साइडर। तो अभी मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपना अपना ब्राउजर खोलें कंप्यूटर में और मेरे साथ साथ एक्शन करते जाएं। तो साइडर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है जो आपके ब्राउजर के साथ साथ चलता है। आप लोगों में से कोई थम्सअप दीजिए ताकि मैं यहाँ से आगे बढ़ूं, अगर आप लोग अपना ब्राउजर खोल के रेडी हैं तो। हेलो, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, सर क्या नाम बताया आपने? साइडर, ये हाँ, हम साथ साथ ये प्रैक्टिस करें। वेबसाइट है cider.ai। ये देखिए नीचे बॉटम में देखिए, ये जी मैं यहाँ जी पे रेड से सर, घुमा रहा एक हूँ। रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग मोबाइल पर ही मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और मोबाइल पर ही ये करेंगे, तो थोड़ा सा स्पीड स्लो रखिएगा। ठीक है, मैंने मोबाइल पे किया नहीं है तो मुझे पता नहीं ये कैसा काम करेगा उस पे। लेकिन जो लोग कंप्यूटर पे हैं, वैसे जो लोग मोबाइल पे हैं वो भी इस प्रक्रिया को देख लीजिए, आप अपने कंप्यूटर में बाद में कर लीजिएगा। और जो लोग कंप्यूटर पे हैं वो लोग तो जरूर करें। तो मैं अभी आप लोगों के लिए ये लिंक खोल रहा हूँ। ये बेसिकली एक एआई राइटर है। तो लिंक cider.ai। तो जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वेबसाइट्स होंगे या टूल्स होंगे उनका डोमेन नेम एआई होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
cider.ai. एक्सक्यूज मी सर, या हाँ जी बोलिए. सर हमें जैसे गूगल, हमने क्रोम खोला है तो उसके अंदर साइडर नाम से खोलेंगे, इसके हाँ ये देखिए, सर्च मैंने यहाँ करेंगे। पे आपको दिख रहा है मेरा ब्राउजर, ये मैंने सैटर डॉट ए आई खोला है, देखिए अभी हाईलाइट किया है इसको. ओके सर, गॉट इट, थैंक हाँ तो यू। सैटर डॉट ए आई खोलिए और इसी में देखिए नीचे इसका एक्सटेंशन ऐड करने को कहेगा. आप यहाँ देखिए ये ऐड टू क्रोम लिख के आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग. जी सर, जी हाँ सर, तो इसको क्लिक करते हैं और इसका एक्सटेंशन हम लोग अब ऐड करेंगे. ये देखिए ऐड टू क्रोम लिख रहा है यहाँ दाहिनी ओर, देखिए मैं अपना कर्सर हिला रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये हमें ऐड करने का ऑप्शन देगा. और ये देखिए इसका सेटअप डाउनलोड हो गया यहाँ पर. हाँ तो इसको उसके बाद जब ये तैयार हो जाए तो ये देखिए पिन साइडर फॉर योर क्विक एक्सेस लिख रहा है यहाँ पे, देखिए पिन साइडर फॉर क्विक एक्सेस. तो यहाँ पे हम साइड में इसको पिन कर लेंगे, ये देखिए यहाँ, ठीक है. तो ये मैंने पिन कर दिया है इसको, बाद अगर आप रिमूव करने का भी ऑप्शन है आप जैसा चाहें. तो फिलहाल आप पिन करने के बाद ये जो ब्रेन वाला इमेज है ये आपको यहाँ दिख जाएगा, वायर्ड ब्रेन वाला इमेज यहाँ पे दिख जाएगा, दिख रहा है आप सबको. जी सर, ओके ठीक है. तो अब इसके बाद मैं आपको कोई एक वेबसाइट खोल कर दिखाता हूँ. मान लीजिए मैंने ये टाइम्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट खोला, जस्ट सेकंड. तो ये जैसे हमने ये अखबार खोला मान लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स, और इसमें ये पहला न्यूज़ आइटम हमने खोल दिया मान लीजिए. अब देखिए ये न्यूज़ आइटम हमारे सामने है. तो ये जो ब्रेन वाला लिंक है राइट हैंड कॉर्नर में, देखिए जो मैं अभी यहाँ पे अपना कर्सर होवर कर रहा हूँ, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका एक विंडो खुलेगा, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं. ये देखिए यहाँ पे स्विच मॉडल कह रहा है, यहाँ पे देखिए आपको इतने सारे मॉडल मिलते हैं, ये सारे जीपीटी मॉडल्स हैं. साइडर का खुद का मॉडल है साइडर फ्यूजन, इसके बाद ये चैट जीपीटी है 4.0, ये क्लॉड का है, ये गूगल का जेमिनी 1.5 है, और ये मेटा का. मेटा आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसकी पेरेंट कंपनी का नाम है मेटा, और उन्होंने अपनी जीपीटी बनाई है लामा, इनके एडवांस वर्जन्स भी हैं. तो फिलहाल हम कोई एक सेलेक्ट करके रखते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे स्नैपशॉट दिखा रहा है. तो हम फिलहाल एक एक करके फीचर को समझने की कोशिश करते हैं. मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन को छोटा करता हूँ ताकि ज्यादा कंटेंट दिखे यहाँ पर, ये एडवर्ड कुछ आ रहे हैं तो कम दिख रहा है. चलिए मैं आपको एक उदाहरण यहाँ से दिखाता हूँ. ये तो ये स्निप स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लेंगे तो ये जैसे मान लीजिए ये वाला हमने इतना लिया, ठीक है. अब ये स्क्रीनशॉट से ही इसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेगा. अब हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं देखिए. सर वी हैव अब लॉस्ट हम ट्रैक, हाँ यू लॉस्ट ट्रैक. ओके या आई डिड, आई एम नॉट एबल टू गेट दिस हिंदुस्तान टाइम्स थिंग। आई हैव जस्ट ओपन वन न्यूज़पेपर वेबसाइट एंड आई न्यूज एम आइटम एट इन दैट. वेलकम सर, आई एम वो एट पिन नहीं वेलकम हो रहा है सर। सर, आई एम एट पिन साइडर फॉर सर क्विक एक्सेस। वो टूल ऐड करना है ना, ऐड क्रोम, वहां से फिर हाँ से तो पिन बताइए एक साइडर बार। फॉर क्विक एक्सेस, ये देखिए ये यहाँ पर देखिए एक आपको
सिंबल दिख रहा होगा, सर वहां ये से नहीं आ आपको रहा है, पिन साइडर फोर वी के सर आपके आएगा, कॉक। थोड़ा टाइम लेता है सर, ये मैंने देखा, मेरा भी लेट आया है। अच्छा तो ये देखिए मैं दोबारा बता रहा ये हूं। कंटिन्यू विथ गूगल आ रहा है सर। हाँ तो जी उसको सर, ओके करिए, ओके करिए, कंटिन्यू कंटिन्यू करिए। विद गूगल को ओके करना है सर। यस यस यस, अच्छा देन इट वो इज आप, आस्किंग फॉर सम मेल आईडी। हाँ वो हाँ तो डाल आपका दिया जो ईमेल जीमेल से आपका कंप्यूटर या आपका कर मोबाइल जो दिया पहले से सर, खुला हुआ उसी को सेलेक्ट कर लीजिए। कर दिया सर। जी सो देन दिस पिन साइड अप फॉर क्विक एक्सेस कम्स। हाँ आ हाँ गया, आ सो गया उसके, सर। हाँ उसको पिन कर लीजिए कहाँ ओके सर, पे सर। हाँ ब्लैक एक काम करते एरो हैं। पे, हाँ ब्लैक एरो यस, पे ये यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पिन का सिंबल आएगा, तो इसको पिन कर देने से हो गया। ठीक है, ऐसे पिन कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये सिंबल आपको ब्राउजर के साथ इसका एक्सटेंशन दिखेगा। सर ये नहीं हुआ सर, पिन कर रहे हैं उसको, क्लिक कर रहे हैं तो नहीं 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 हो रहा हुआ है सर। सर, एरो ऊपर जा रहा है फिर हाँ एरो ऊपर जा रहा है। वापस आ जाता है। हाँ सर हो गया है मेरा तो सर, दोबारा से कोशिश करिए, कुछ लोग कह रहे हैं हो गया है, मैं इंतजार करता हूँ आगे आगे एक बार डिस्प्ले करने सर के लिए। एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे वहीं पे, पिन सर फिर कैसे करना है उसको, साइड सिर्फ क्लिक चैट करना है। जीपीटी साइड ये बार आपने दिखता है। अगर ब्राउजर खोला है अपना तो ये यहाँ पे ये जो बॉक्स है यहीं पे सर आपको पिन करने का ऑप्शन दिखेगा। ये देखिए ये ब्लू हो गया, मैंने पिन किया है तो, अनपिन किया तो ये देखिए कलर हट गया है, इसको आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये पिन हो जाएगा। ये यहाँ पे पिन ऊपर नीचे जा रहा है। ये सर आपका ब्राउजर का सेटिंग में कुछ इश्यू होगा, फिर मैं आपके सामने ही मैंने अभी इसको एक्सटेंशन ऐड किया है। नहीं सर मेरा भी ऐसे ही हो रहा है, एरो ऊपर नीचे जा रहा है, हाँ क्लिक ऊपर नहीं ही होता नीचे वो। एरो जा रहा है सर। ठीक है, फिलहाल आप, मैं दोबारा मौका दूंगा आप लोगों को इस एक्टिविटी को करने के लिए। अभी हम लोग जिनका हो गया है जी सर, वो अपने कंप्यूटर पे देखें, और जिनका नहीं हुआ है वो मेरे साथ साथ मेरे स्क्रीन पर चलें। तो मैं बेसिकली आप लोग को ये दिखा रहा था कि जैसे मैंने एक न्यूज़पेपर का एक एक न्यूज़ आइटम खोला है, तो यहाँ पर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये जैसे बॉटम में हमारे पास ये वायर्ड ब्रेन का सिंबल है, इसको मैंने क्लिक किया, और ये देखिए यहाँ पे जितने मॉडल्स अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट है यहाँ पर, आप जो मर्जी उसमें चुन सकते हैं, हमने एक प्री सिलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए ये जो कैंची का सिंबल है सीजर्स का, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए है। स्क्रीनशॉट आप लोग जानते हैं, आप लोग मोबाइल में भी थ्री फिंगर यूज करके लेते हैं स्क्रीनशॉट, और प्रिंट स्क्रीन करके कंप्यूटर में लेते हैं। इसी फीचर को देखिए यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए ये शेड हो गया, और ये देखिए यहाँ से हम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिला। तो ये हम इसको इतना सेलेक्ट कर लिए मान लीजिए, तो ये देखिए एक्स्ट्रा टेक्स्ट आएगा अब यहाँ पर, देख पा रहे हैं आप सब लोग। यस सर हाँ, तो ये एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट किया, अब देखिए ये अपने आप ये जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा था न्यूज़ में वो यहाँ पर आ गया। अब हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, अपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, ये अभी मैं जो कर रहा हूँ ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, ये देखिए ये अब हमने इसको ऐसा लिखा कि ये समझे, और उतना ही समझे जितना करने के लिए हम चाह रहे हैं। तो इसी को कहते हैं एनएलयू, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो हम प्रॉम्प्ट जो देते हैं वो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए देते हैं कि उसको करना क्या है। तो हमने ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी बोला, तब देखिए ये इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देगा, ये देखिए। ठीक है, सिमिलरली हम इसको कहेंगे जेनरेट फाइव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, देखिए अब ये हमें एमसीक्यूज बना के देगा, देखिए ये करेक्ट आंसर के साथ दे रहा है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि हमें ये चीज हिंदी में मिले, तो हम इसको कमांड देंगे गिव इट इन हिंदी। ठीक है, तो यही चीज अब हमें हिंदी में मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से इसमें काम है, प्लस हम इसका समरी भी बना सकते हैं। जैसे समराइज इट, देखिए इसकी समरी, ओ जी
सो आई यूज ऑल द फ्री क्रेडिट्स टूडे, सो अब मैं यहाँ नहीं कर सकता, मैं 6 एक्शन कर सकता हूँ एक दिन में, एक बार इसमें। तो ये चीज आप लोगों को पता लग गई, इसका लिमिट्स क्या है। ठीक है, तो हेलो। आप लोग जो लोग अपने अपने सिस्टम पे लॉग्ड इन है हेलो वो सर, करके देखिए, सर समराइज हम करने के लोगों लिए। का वही हेलो समस्या आ सर, रहा है हाँ सर, उसमें नीचे एक स्किप का ऑप्शन आया, मैंने उसे स्किप किया तो मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया। जो हेलो शेयर है सर, उससे नीचे एक स्किप का ऑप्शन मैम ऐसा कीजिए, ऊपर राइट साइड पे ना, ऊपर राइट साइड पे वो पिन वाला ऑप्शन आ रहा है, उसे था ये। क्लिक करोगे तो पिन हो जाएगा ऊपर टॉप हेलो पर राइट सर, साइड। सर एक्चुअली पुअर कनेक्शन था मेरे यहाँ, हाँ तो फिर हाँ वही मैं कुछ बात रही हेलो होगी जरूर जी। तो सर, मेरा एक फिलहाल क्वेश्चन है सर जी जी, जी हेलो पूछिए। मेरे इस पे ये खुल गया है। सर, हाँ सर मैंने ना साइडर खोला, योर चैट जीपीटी असिस्टेंट एनीवेयर, तो गूगल आ रहा, गूगल के साथ क्या ऐड टू कॉर्म करिए नाउ, इट्स फ्री। कंटिन्यू विद गूगल करिए। नहीं सर, सर ऐड टू क्रोम नाउ, इट्स हाँ फ्री। हाँ ऐड टू क्रोम, यस ऐड टू क्रोम करिए। करता सर, कर दिया। हाँ ऐड टू क्रोम करने के बाद वो उसको पिन करना होगा आपके ब्राउजर में। सर ये सर हेलो सर, सर साइडर इस एआई ना पिन नहीं हो पा रहा है, वो बार बार कर रहे हैं बट एरो ना मूव कर रहा है। वो आपके एंड पे कुछ इश्यू होगा मैडम। सर सर नीचे स्किप हेलो का सर, ऑप्शन है, शायद उससे हो जाएगा। सर पिन कहाँ से, सर पिन सर के जी नीचे जी स्किप का जी ऑप्शन है, शायद उससे हो जा रहा है। सर अब खुल रहा सर साइडर बिना क्रोम। बिना पिन किए भी चल जाएगा ये? बिना पिन किए भी चल जाएगा, लेकिन पिन किया हुआ रहेगा। तो अभी जैसे मैं एक और फीचर आपको दिखाना चाहता था, लेकिन अब मेरे फ्री क्रेडिट्स ओवर हो गए। जैसे यहाँ सर पे देखिए। हाँ यस मैडम बोलिए। हेलो, सर एक्चुअली यहाँ पे मेरे यहाँ पुअर कनेक्शन था, तो बीच का मतलब आपका जो स्टार्टिंग का 10 मिनट्स का था वो नहीं सुनाई दिया, तो मुझे एग्जैक्टली अभी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कैसे पहुंचे। कोई आप बात एक नहीं बार सिर्फ मैडम, शॉर्ट में मैं समझा दीजिए नहीं, सर। लास्ट में मैं फिर से बताऊंगा, मैं ओके रिकैप ओके, नो करूंगा। इश्यू ठीक सर। है ठीक है, बिना अभी हम लोग मूव बिना करते सर, हैं। हाँ सर, तो यहाँ पे देखिए, इन एक्सटेंशन में क्या है, ये पिन साइडर ऑब्जेक्ट पे एक्सेस में क्या करना ऑल राइट पार्टिसिपेंट्स, मेरा आपसे निवेदन है कि साइड बार्स बंद करें, हम लोग आगे है। चलते हैं। अभी इसके बाद एक और टूल है, हम लोग के पास समय नहीं बचेगा, वरना मैं लास्ट में पूरा रिकैप भी करने की कोशिश करूंगा आप सबके साथ। सर एक क्वेश्चन है इस टूल को लेकर मेरा, जी परमिंदर कौर दिस साइड सर, इस यस ये चैट जीपीटी से और बाकी जो हमारे जेमिनाइज वगैरह हैं उनसे कैसे डिफरेंट है? हाँ डिफरेंट, वो आपको खुद समझना होगा। जैसे ये देखिए, अभी हमने जीपीटी यूज किया है ओपन एआई का, ऐसे ही हम यही चीज लामा से यूज कर सकते हैं। हाँ, और लामा क्या रिजल्ट दे रहा है, हम दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर मान लीजिए ये जो अभी हमने रिजल्ट देखा, ये हम इससे असंतुष्ट हैं, तो फिर हम अपना जीपीटी यहाँ चेंज करेंगे और दूसरे में देखेंगे, और जिसमें हमें बेस्ट मिलेगा उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम स्विच कर सकते हैं किसी भी जीपीटी जी में। हाँ जी हाँ जी हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन, अब मैडम क्वेश्चंस लास्ट में लेते हैं, थोड़ा हम लोग चलते हैं आगे, क्योंकि एक और टूल है, मुझे कई और रिसोर्सेज आपको बतानी है। मैं एंड में सबके क्वेश्चंस लूंगा। अभी फिलहाल क्वेश्चंस अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर, ये जहां मेरा कर्सर होवर कर रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, बुक्स, ओपन बुक्स का। इसको क्लिक करेंगे ना आप, तो ये पूरा, ये जो अभी ये नहीं कर रहा क्योंकि मेरे क्रेडिट्स ओवर हो गए, आप लोग देखिएगा इसको जब क्लिक करेंगे आप, तो ये जो न्यूज़पेपर का न्यूज आइटम है, ये इस पूरे को समराइज करके यहाँ पे देगा। ठीक है, और उस पे बेस करके आप उसको समरी मांग सकते हैं, या क्वेश्चन बना सकते हैं, या ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंटेशन में। तो ये एक टूल था साइडर, जो जिसपे मैं आप लोगों को चाहूंगा कि हैंड्स ऑन करें। तो इसमें हमने क्या क्या देखा मैडम, जो मिक्स कर गई थी शुरुआती, अब आप भी ध्यान दें। ये एआई स्निपिंग करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली स्निपिंग। जो हम रेगुलर स्निपिंग करते हैं वो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर रखता है, और उसमें हमें कुछ एनालिटिक्स नहीं मिलते, उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो हम मैनुअली ही पढ़ते हैं। तो ये एआई स्निपिंग में उसका कंटेंट डिटेक्ट करता है, और इसमें
फाइल्स, वेरियस फाइल्स को सपोर्ट्स करता है, जैसे हम पीडीएफ, जेसन फाइल और एक्सेल फाइल ये सारा लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आप अगर आपने जहां साइडर खोल रखा है, तो जहां पर सीजर वाला सिंबल था उसके बाद देखिए पिन वाला सिंबल है, अटैचमेंट वाला, वहां पे आप जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो आपको ये सारे फाइल के टाइप्स दिखेंगे। और इस पेज को रीड भी करता है, अभी इंडियन और क्लासिकल लैंग्वेजेस में तो करता ही है, और बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में शुरू हो चुका है, लेकिन आपको हो सकता है कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री फिलहाल ना मिले। और ट्रांसलेट और समराइज करता है, और क्वेश्चन आंसर जनरेट कर सकता है। तो ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए इसको, आप कंटेंट जनरेट करके कैसे यूज करेंगे उससे रिलेटेड मैंने एक सैंपल रखा है। ये मैंने लास्ट वीक एक न्यूज़पेपर से ट्रांसलेट किया था, क्लॉड क्लॉड 3 हाइकू यूज करके। तो इसमें देखिए ये जैसे कंटेंट है, जो लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं वो इसको पढ़िए। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक दूसरे वर्ष की पीजीटी डॉक्टर का दर्दनाक रेप और हत्या हो गई। ये देखिए यहाँ पे जेंडर लिंग निर्णय सर एरर है, यहाँ का लिखा और यहाँ हो गई लिखा, तो आपने देखा कि इसमें एरर है। तो जैसे ही आप देखेंगे एरर है, आप अपना जीपीटी चेंज करेंगे और दूसरे में देखेंगे कि उसमें क्या आ रहा है। और ये जो एज इट इज मैंने रखा है, इसको भी आप एक एक्सरसाइज के रूप में आइडेंटिफाई एरर्स एंड ओमिशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप एज ए टीचिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक किताब को लिया, एक चैप्टर, और उसको ट्रांसलेट किया और उसमें कुछ एरर्स मिले, तो उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन बना दिए। और ये क्वेश्चंस भी यही बना के दे सकता है अगर आप प्रॉम्प्ट डालेंगे तो। मैं 5 मिनट का आप लोगों को समय दे रहा हूँ, आप सब लोग अपने अपने साइडर में जाइए और जो कुछ क्वेरी हो रही होगी पूछिए मुझे। सर सर ये एक क्वेश्चन है, इज गिविंग 30 प्रॉम्प्ट्स एवरी डे। हाँ, सो दिस इज नॉट एब्सोल्युटली फ्री, बट द बेसिक वर्क इज फ्री, सो यू कैन यूज इट, आई मीन फॉर योर प्राइमरी पर्पसेस पर डे। इफ यू प्लान टू मेक योर लेक्चर्स फॉर द एंटायर सेमेस्टर इन वन गो, देन इट माइट नॉट बी पॉसिबल, बट लाइक इट गिव्स 6 क्रेडिट्स पर, 6 यूसेजेस पर डे, तो आई सर थिंक इट सेज दैट्स मोर थर्टी देन इनफ। थर्टी यूसेजेस पर डे। या बट फॉर मी इट गॉट एग्जॉस्टेड इन 6 ओनली टूडे, सो या। सर ये साइडर एआई में प्रॉम्प्ट कहाँ लिखेंगे, क्योंकि तो बहुत कुछ लिखा हुआ आ रहा है जो मेन पेज ओपन हुआ है। हाँ, ये देखिए आप इस तरह से, मैंने अभी खोला, आपको दिखाई दिया। जी सर, हाँ, तो खोलने के बाद ये देखिए यहाँ टाइप ए मैसेज है, आप अपने प्रॉम्प्ट्स जी यहाँ पे लिखेंगे। ओके। ओके, तो तो सर आपको जो जो भी आपने कंटेंट, आर्टिकल लिया था नवभारत सर हिंदुस्तान टाइम्स से, तो वो आपने यहाँ लिखा तो आर्टिकल आ गया था। जी जी हाँ, ओके थैंक यू सर। यस, तो हमने ये वाला टूल यूज करके एक पर्टिकुलर कंटेंट को स्कैन किया था और वो उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके उस पे समरी और क्वेश्चंस आंसर्स बनाए थे। ये यहाँ से देखिए, आपके पास ऑलरेडी कोई जेपीजी फाइल है, तो उसको भी यहाँ से लेके आप यहाँ अपलोड करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने सर यहाँ इसमें तो पर एक, अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, सर जो क्योंकि अटैच्ड अपग्रेड का का। ऑप्शन है इससे हम फाइल अटैच कर सकते हैं या डॉक्स हेलो अटैच सर, कर सकते जी हैं। जी जी ये सब प्रीमियम फीचर्स हैं जो अपग्रेड करने कह रहा है, तो पेमेंट के बाद है, तो वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अगर आप लोग चाहें तो कर सर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ड्रॉप इट एट द मोमेंट। हाँ जी, हाँ जी, यस राजीव सर नमस्कार, मैं अशोक कुमार हरियाणा से। जी अशोक जी, अशोक सर जैसा कि बताएं। आपने अभी बताया कि इस तरह से साइडर डॉट एआई पे क्लिक कीजिए तो उसमें एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है एप्लीकेशन के लिए, और जब नहीं, मैंने डाउनलोड इसको नहीं करना है डाउनलोड आपको किया उसका, और नहीं, अशोक सर, डाउनलोड नहीं करना है आपको, उसका जी एक्सटेंशन ऐड करना है। ये देखिए मैंने एक्सटेंशन ऐड किया, आप लोग को वही करके बताया था मैंने, उसमें एक्सटेंशन ऐड करना था सिर्फ। सेम फीचर्स अवेलेबल ऑन द डाउनलोड। ये देखिए अभी मैंने पेज खोला है फिर से, ये देखिए यहाँ ऐड टू क्रोम दिखा रहा है, यही करना है आपको, डाउनलोड नहीं करना है। इसको क्लिक करिएगा तो फिर आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेगा, मैंने ऑलरेडी अभी अभी सबके सामने किया है, सर ये मैंने देखिए। मोबाइल
पिक किया था तो वो अच्छे से हो गया था वैसे। अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। बहुत सारे हमारे साथी वो सभी मोबाइल से जुड़े फीचर्स हैं तो हैं वहां सबके पर लिए। जी, तो हम लोग सर। हाँ सर इसमें हाँ एक ओसीआर का ऑप्शन है, टू OCR भी है, वन बिल्कुल है। जी सर, व्हाट मींस फॉर ओसीआर? आगे बताऊंगा, अभी प्रेजेंटेशन में है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन में फिर। तो जो AI टूल्स हैं, बेसिकली AI को समझने के लिए आपको दो चीजों को समझनी होगी। AI के दो प्रमुख अंग हैं। एक, जैसे हम लोगों को, आप अगर अभी अपनी आंख बंद कर लें और तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो आपको किधर जाना है, क्या कुछ ढूंढ रहे हैं तो कैसे पकड़ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे ही AI की आंख है कैमरा, ठीक है। और जो दिमाग में जो बातें हमारे चलती हैं, वो AI के ब्रेन में जो चलती है, वो ट्रेन होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल से। तो ये दो चीजें प्रमुख चीजें हैं, एक है कंटेंट लैंग्वेज के थ्रू और दूसरा कैमरा। तो AI के ये दो प्रमुख अंग है। मैंने अभी GPT के बारे में आप लोग को बताया, जनरेटिव AI में GPT का क्या रोल है। तो ऐसे ही वॉइस असिस्टेंट्स आप लोग सीरी में, गूगल असिस्टेंट में यूज कर रहे हैं, और ये रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन आप लोगों को दे रहा है। मैं अभी फिर से थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ जो मैंने शुरू में कहा था। क्लासरूम में AI ट्यूटर्स यूज होते हैं आजकल, रोबोटिक असिस्टेंट्स भी रखने लगे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और इमेज टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन भी होता है। जैसे यहाँ देखिए, राइट साइड में मैंने एक इमेज रखी है, हमारे NCERT में ये एक इक्विपमेंट है जिसको कीबो कहते हैं। कीबो इज नॉलेज इन अ बॉक्स। यहाँ पर क्या, ये देखिए, ये इसका स्कैनर है और ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है ऑनलाइन। और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट हमने रखा है जो रिटन डॉक्यूमेंट है, तो ये इसको स्कैन करके यहाँ पे इमिडिएटली ट्रांसलेट कर देता है इंडियन लैंग्वेजेस में भी और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी। और इसको फिर हम ऑडियो फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सिमल्टेनियसली उसी वक्त। तो ये भी एक AI का ही फीचर है। तो AI बेसिकली क्या क्या करता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। ये ट्रांसलेट करता है, समराइज करता है, क्वेश्चन आंसर जनरेट करता है, इस तरह की चीज। तो कंटेंट डेवलपमेंट में आप लोग इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं इस स्लाइड से आगे बढ़ रहा हूँ। अब हमारा अगला टूल है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, AI फॉर भारत। ये देखिए ऊपर इसका टाइटल लिखा है, AI फॉर भारत। तो AI फॉर भारत हमारे भारत में ही बना है, IIT मद्रास इसके के देख रेख में। IIT मद्रास इसका होस्ट है, वहीं इसका डेवलपमेंट हो रहा है। और इसमें हमें क्या क्या काम मिलते हैं, ये देखिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर इसका काम है, ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्निशन, टेक्स्ट टू स्पीच, मशीन ट्रांसलेशन, OCR, अभी कोई पूछ रहे थे आप लोग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये बेसिकली NAR टाइप की ही चीज है जो मैंने शुरू में बताया था। और ट्रांसलिटरेशन, ट्रांसलिटरेशन मतलब जैसे हम लोग रोमन लिपि, इंग्लिश में हिंदी लिख लेते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट यूज करके हिंदी लिख लेते हैं। जैसे देखिएगा, पहले जो कैसेट्स आते थे गानों के, उनमें गाने इंग्लिश में लिखे होते थे, या आप सर्च भी करते हैं गूगल पे, मान लीजिए गाना इंग्लिश में ही लिखते हैं, MERA मेरा, NAM नाम, आगे कुछ भी लिख लिख दीजिए, जोकर, लखन, समथिंग, तो वो गाना लिख के आता है। तो वो ट्रांसलिटरेशन, ट्रांसलेशन से थोड़ा वो अलग है। तो ये मल्टीलिंगुअल डेटा सेट्स है AI फॉर भारत में। अभी फिलहाल 11 भारतीय भाषाओं में ये उपलब्ध है, और ये जनरेटिव टास्क करता है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेटिव टास्क करता है। ये इसका लिंक है जो अभी फिलहाल इस हफ्ते नहीं चल रहा है, और पहले चल रहा था, लेकिन मैंने फिर भी इसको रखा है इस प्रेजेंटेशन में, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन आप लोग के साथ शेयर की जाएगी और आप लोग भविष्य में इसको यूज करेंगे। तो अगर आपको रेफर करना हो तो ये लिंक आपको एक जगह मिले। तो अभी मैं, ये लिंक अभी डाउन है, तो ये देखिए, ये अभी, हाँ, 404, ये अभी डाउन है, तो इसको छोड़ देते हैं। हम लोग इसके मॉडल्स पे चलते हैं। तो मॉडल्स देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए स्पीच टू टेक्स्ट है, स्पीच टू टेक्स्ट विस्पर है, विस्पर मतलब जो फुसफुसा के कहते हैं हम लोग। तो इस तरह से इंडिक ट्रांसलेटरेट, देखिए सब में इंडिक लिखा हुआ है, ये सारे भारतीय भाषाओं के लिए ही बनाया गया है, एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा पर। तो मैं इसमें आपको फिलहाल एक करके दिखाता हूँ, स्पीच टू स्पीच। ये इस तरह का इंटरफेस खुलता है, इसमें आपको 11 भाषाएं मैंने बताया आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए,
ये भाषाएं हैं, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, पंजाबी एंड इंग्लिश। तो फिलहाल हम अपना इनपुट लैंग्वेज हिंदी रखते हैं, और मान लीजिए पहला लैंग्वेज बांग्ला है, यही डाल दिया। तो इसमें करना ये होता है, इस माइक को क्लिक करके आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अभी आप लोग देखिए, मैं आपके सामने कर रहा हूं। मेरा नाम राजीव है, मैं एक शिक्षक हूं। ये कहने के बाद मैंने क्लोज कर दिया। So, ये देखिए, अच्छा पहला वाला नहीं कैच हुआ, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए, मैं एक शिक्षक हूँ का बांग्ला में ट्रांसलेशन आ गया हाथों हाथ। इसको आप इसी वक्त रियल टाइम पे ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं। मैंने अपनी माइक सुनने की कोशिश करी, तो ये देखिए आप लोगों ने सुना, जो मैंने हिंदी आउटपुट दिया था उसका बांग्ला आउटपुट निकला। तो ये चीज हमारे भारत में ही बनी है। मैं दोबारा से करता हूं, सर एक क्वेश्चन है इसमें एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अभी असल में आपने जो बात कही वो भी रिकॉर्ड हो गई शायद, इसीलिए मैंने कहा रुक जाइए। मेरा मेरा नाम राजीव है, मैं एक शिक्षक हूं। मेरा नाम राजीव है, मैं एक शिक्षक हूं। तो ये देखिए आप लोग, ये बांग्ला में ट्रांसलेट हो गया, और ये हमारा नाम राजीव, अभी एजेंसी हमारा नाम राजीव। तो ये इंस्टेंटली इस तरह से ट्रांसलेट हो गया वर्ड में भी और ऑडियो फाइल में भी। तो इस तरह से जैसे क्लासरूम सिचुएशन में आपके सामने आता है कि कोई एक तमिल बच्चा है, उसको आपको कोई बात समझानी है, तो इस तरह की चीजों का आप यूज कर सकते हैं। और इसमें 11 भाषाएं हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया। और इसमें आप इसके होम पेज पे जाइएगा, तो ये देखिए आपको तमाम तरह की चीजें जो यूज करने लायक है। अभी ये सारी चीजें एक्टिव नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें ये बेस में देखिए कॉपीराइट 24 लिखा हुआ, तो ये अभी चीजें बन ही रही हैं, लेकिन फिलहाल ये चीज एक्टिव है, तो इसको आप लोग क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। हाँ मैडम, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, पूछिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम लोग ऑडियो को ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो क्या ये हमारा एक्सेंट भी पकड़ता है, एक्सेंट को भी मॉडिफाई कर देता है, या फिर टोन वही रहेगी जो हमारी हिंदी में टोन है? मैडम अभी मैंने जो सुनाया उसमें देखिए, यहाँ पे देखिए वॉइस ना मेल फीमेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है बस, इसके अलावा एक्सेंट का ऑप्शन नहीं है। तो आपका एक्सेंट, मेरा तो एक्सेंट इसने पकड़ा ही, लेकिन इसने जो आउटपुट दिया वो उसका इनबिल्ट एक्सेंट है। ठीक है सर, ठीक थैंक है यू जी सर। सर मेरा भी क्वेश्चन था, जी। क्या ये ऐप फ्री रहेगा ट्रांसलेट हाँ कर? हाँ यहाँ हाँ, इसीलिए तो ये दिखाया मैंने आपको। जैसे साइडर में आपने यूज किया, वो देखिए एक टाइम के बाद पेमेंट मांगा, अभी मैंने आपके सामने ये प्रॉब्लम फेस की। ये भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, ये भारत सरकार के लिए, भारत के लिए ही है, आईआईटी मद्रास में बन रहा है। और अगर इसके आप लोग जैसे ये जो लिंक नहीं खुला उसको भी हम लोग यूज करते हैं मान लीजिए, तो इसमें टूल्स पे जाएंगे आप लोग, तो ये इसमें देखिए तो इतने तरह की चीजें हैं इसमें, तो इसको आप लोग एक्सप्लोर करिएगा। अभी सारी चीजें इसमें एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये देखिए नीचे देखना है 24 का कॉपीराइट है, मतलब अभी ये चीजें बन ही रही हैं, तो आप लोग एक्सप्लोर करिएगा। ये देखिए मैं आपको इसका एक एमओयू वाला डॉक्यूमेंट था, मैं अभी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, यही कहीं पे था। जो ये बात अभी आपने जो सवाल किया कि फ्री रहेगा कि नहीं, उस बात की पुष्टि करता है। ये बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में बन रहा है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बन रहा है, तो ये पब्लिक के लिए तो फ्री होना ही है।
सर तो इसमें टेक्स्ट टू स्पीच भी क्रिएट कर सकते हैं हम अलग जी हाँ अलग मोशंस में, जैसे जब ये वर्क वर्क करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जैसे आपको मैंने एक चीज दिखाई, इसी में आप और भी टूल्स देखिए, ये देखिए टेक्स्ट टू स्पीच भी है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है अभी ये वर्क कर रहा है, ये देखिए ये अभी नहीं टाइप करके है ये, तो इसको आप टाइप करेंगे तो आप मिलना मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि ये कल नहीं चल रहा था, आप लोग खुद सर से थोड़ा एक्सप्लोर वक्त करिएगा लगा, इसको ज्यादा नहीं कर रहा। जी। सर ये टेक्स्ट टू स्पीच में ना एक छोटी विंडो ओपन हुई है, बट इसमें चार ही लैंग्वेज हैं हाँ जो नहीं, कन्नड़ इसमें लैंग्वेज, अभी एक प्रॉब्लम ये देखिए, द्रविड़। मैं आपके सामने खोला है मैंने, ये इनपुट लैंग्वेज तो 11 दिखा रहा है लेकिन नहीं इंटरफेस में ये देखिए आगे ये नहीं ले जा रहा, इसका मतलब इसमें काम नहीं हो रहा है अभी, तो इसको अभी छोड़ दीजिए आप लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को अब एक हैंड्स ऑन देना चाहता हूँ, आप लोग का जो भी मेजर है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, उसके किसी एक चैप्टर का एक पैराग्राफ लेकर के, मैंने जो अभी एक दो टूल्स बताए, दोनों में से कोई भी एक टूल यूज करके आप लोग उसका समरी बनाइए और कुछ एमसीक्यूज बनाइए। सर एक क्वेश्चन है कि जी जब भी आप साइडर एआई यूज कर रहे हैं तो आपको एवरी टाइम ऐड टू क्रोम करना पड़ेगा। नहीं, एवरी टाइम नहीं करना पड़ेगा, एक बार ऐड हो गया तो हो गया, जब तक आप ओके उसको ठीक रिमूव नहीं करेंगे आपको नहीं करना पड़ेगा। है, क्योंकि सर जब भी कुछ भी टेक्स्ट अगर आप गूगल पे भी ढूंढ रहे हो ना, वो एप्पल उसमें साइडर एआई में ही आ रहा है अगर आप नेक्स्ट विंडो में जाकर भी हाँ तो सर्च उसको करते मिनिमाइज कर दीजिए, हैं। ओके ये यही बात है असल में, जैसे आप इसको जब रिमूव करेंगे ना तो उसमें वो फीडबैक मांगेगा, तो इसी तरह के क्वेश्चंस भी हैं कि क्या ये बहुत डिफिकल्ट है यूज करना या जी ये बहुत ज्यादा हिंड्रेंस पेश करता है इस तरह का, अगर तो सर आपको हाँ नेगेटिव फीडबैक दिया तो वो कहता है कि कोई अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल करने कहेगा, लेकिन ये चीज है जैसे इन्फ्रिंजमेंट है बेसिकली, वो हम जब ब्राउजर खोल रहे हैं तो जबरदस्ती उसका भी एक विंडो आ जा रहा है, इन्फ्रिंजमेंट है वो, लेकिन फिलहाल हम लोग उसको एक यूटिलिटी टूल के हिसाब से, एक असिस्टिव टूल के हिसाब से यूज करते हैं फिलहाल। हाँ तो जैसे अब आवश्यकता नहीं है तो उसको मिनिमाइज करते रख जी दीजिए सब, अब आपने आपने टास्क दिया कि कोई भी अपनी बुक से कोई भी एक छोटा सा टेक्स्ट लेके हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। जी 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 ओके थैंक यू सर। मैं भी आप लोगों के साथ ही करता हूँ, जैसे मैंने एक एनसीईआरटी का खोला हुआ है यहाँ पर, पहले मैं इसको अनइंस्टॉल करके देखता हूँ अगर ये मुझे मौका मिलता है तो। सो कैन यू एक्चुअली जस्ट रिपीट व्हाट वी आर सपोज टू डू? आई हैव आस्क्ड यू ऑल टू सिलेक्ट अ चैप्टर फ्रॉम वट एवर इज योर सब्जेक्ट एंड एनी पैराग्राफ, वन पैराग्राफ, एंड देन ट्रांसलेट इट इन टू योर मदर टंग और वट एवर इज योर डिजायर्ड लैंग्वेज, दैट इज वन, एंड सेकेंड इज टू जनरेट सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मे बी थ्री दैट सेम फोर, पैराग्राफ थ्री फोर, या थैंक यू सर। हेलो हेलो सर, सर आई हैव क्वेश्चन। यस प्लीज। सर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो मेरा छूट गया है थोड़ा पुअर कनेक्शन की वजह से, तो अभी जी मतलब कौन से ऐप का यूज करके या कोई साइट पे जाके हमें ये कंटेंट रेडी करना हाँ, ये अभी मैंने लोगों को ये काम दिया है? है, मैंने आज अब दो टूल बताया आप लोगों को, एक एआई फॉर भारत बताया जिसमें स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन था, हाँ और वो उससे अभी मैंने पहले देखा सर। जी, और उससे पहले मैंने ये वाला देखिए, अभी मैंने वेबसाइट खोला हुआ है साइडर डॉट ए आई, साइडर जी साइडर डॉट ए आई, साइडर डॉट ए आई में आपको ये देखिए, यहाँ देखिए ओके हाईलाइट हो रहा है, देखिए इतने ये जो जो चीजें हाईलाइट हो रही है ना, ये देखिए एक एक करके मूव हो रही है, लामा 3.1 आया, GPT, तो ये सारे ए आई टूल्स हैं, ये GPTs हैं जो आपको एक जगह मिलते हैं साइडर में, तो इसीलिए इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम करिएगा, क्लिक करिएगा, हाँ तो ये आपको हाँ देखिए मैं आपके लिए फिर से कर रहा हूँ, तो ठीक ठीक है देखिए मेरा, मैं इसको रिमूव फ्रॉम क्रोम करता हूँ क्योंकि मेरे सर, यहाँ तक मैं क्रोम पहुंच गई हूँ। खत्म। आप आपका जो स्क्रीन था वो अच्छा सर,
सो मान लीजिए मैंने इसको रिमूव किया, अब देखिए मैं इसको रीइंस्टॉल करके देखता हूँ मुझे दोबारा इसमें काम करने के लिए परमिशंस मिलते हैं या नहीं। ऐड टू क्रोम, अब देखिए मैं ऐड टू क्रोम कर रहा हूँ आपके साथ साथ, ये ऐड हाँ एक्सटेंशन कर सर। दिया, ऐड सो एक्सटेंशन किया और इसके बाद जी जी कहें। सो मैंने ना एमसीक्यूज फ्रेम कर लिए टेक्स्ट लेकर, लेकिन मैंने टेक्स्ट हिंदी में लिया है और जो एमसीक्यूज है ना वो इंग्लिश में हो रहे हैं। अच्छा, तो आप उसको फर्दर कमांड दीजिए जैसे हमने उस वक्त दिया था, जी प्लीज गिव एमसीक्यूज इन हिंदी। जी हाँ, तो आपको कमांड देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक आइकन इन दैट टॉप राइट बोल रहा है, तो यहाँ पे ये देखिए ये आपको दिख रहा है मैडम, जो मैं हाँ जिनका सेशन सर छूट गया ये था, हाँ तो सर यहाँ पे इसको आप पिन कर लीजिए। अब ये आपको यहाँ पे इसका एक्सटेंशन हमेशा दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब राइट साइड में भी बॉटम में देखिए ये जो वायर्ड ब्रेन वाला सिंबल है इसको क्लिक करेंगे। और ये मेरे पास एनसीईआरटी का एक टेक्स्ट बुक खुला हुआ है, ये सर हो तो गया। हो गया। थैंक हाँ जी हाँ वेरी जी गुड सर, वेरी गुड। मेरा भी हो गया सर। इसको भी किसी अगर बोर्ड लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना हो तो भी हम नीचे वही कमांड देंगे जिस जी भी हाँ लैंग्वेज जी हाँ जी ट्रांसलेट। हाँ, अभी आपने हिंदी लिखा था उसमें लिखिए ट्रांसलेट इट इनटू पंजाबी। ओके थैंक यू सर। ये देखिए, ये देखिए मैंने इंस्टॉल करके दोबारा किया तो अभी मुझे फिर से ये एक्सेस मिल गया। अच्छा, ये फिर वही दिखा रहा है, चूंकि सेम आईडी यूज हो रही है तो इसने डिटेक्ट कर लिया मुझे, वो अब एक्शन करने नहीं दे रहा है। खैर, तो ये जैसे अभी मैंने किया, ये एनसीईआरटी की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है हिंदी में सर जी जो। हाँ जी साइडर साइडर चैट जीपीटी खुल गया, ऊपर आ रहा है डिस्कवर एक्सटेंशन द थीम। हाँ, तो ये जीपीटी जो आ रहा है ये आपने सेलेक्ट किया था तो जीपीटी आ रहा है। हाँ, जीपीटी मतलब ये चैट जीपीटी का है, ओपन एआई। ऐसे ही आप दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या यही सवाल था आपका कि क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? सर नहीं चैट सर, जीपीटी चैट सर जीपीटी 40 आ गया सर, जेमिनी ऑल इन, अब बापुली। इसके अंदर काम कैसे करेंगे? ग्रुप हाँ, चैट आ रहा है, ठीक है सर, ग्रुप ये चैट आ रहा काम है। शायद आपका ब्रेनवा चैट ज्यादा जीपीटी दर्द ऑलरेडी करता इंस्टॉल्ड है लग रहा है आपके फोन में, है, शायद इस इन्वॉल्व वजह है से। क्या ट्रेनिंग के आप फोन पे अंदर? कर रहे हैं या कंप्यूटर कंप्यूटर पर सर, फोन पर तो मीटिंग अटेंड कर पे? रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो हमने अभी आपके सामने ये खोल के रखा है, ऐसा स्क्रीन नहीं आ रहा है? ऐसा ट्रेनिंग हो पता दिनचर्या सर मेरा हो गया है, मैंने चैट पे पोस्ट किया है, मतलब मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मराठी में किए, मैंने ओके। वो वहां पे पोस्ट किए, आप एक बार देख लीजिए। सर गुड गुड वेरी गुड। क्वेश्चन डाउनलोड कैसे करें जो हमने फ्रेम किए हैं नीचे से? सर मे आई यस सर, जो मैंने एमसीक्यूज फ्रेम किए हैं किसी भी लैंग्वेज में, अगर मुझे उन्हें डाउनलोड करना प्लीज, हो तो मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा सर। कॉपी करना पड़ेगा, डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। जैसे अच्छा चैट जीपीटी यहाँ में भी से आप करते हैं तो डाउनलोड करने जी, के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ता है उसमें। यहाँ से कॉपी करके फिर पेस्ट आप कहीं भी कर सकते हैं सर। जी 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 ये जी तो आपने ओसीआर का बताया था, प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सिर्फ ओसीआर का तो मैंने सिर्फ फुल फॉर्म बताया था, ओसीआर से फॉर्म रिलेटेड बताया कुछ था नहीं सर। बताया। जी जी, ओसीआर में भी हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ स्पीच टेक्स्ट और ये काम किया। और ये साइडर में हम लोगों ने ओसीआर का एक फीचर यूज किया था, एआई स्निपिंग, जिसमें जी हम जो वो टेक्निकलिटी हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कंटेंट पर ओके काम करना चाह रहे हैं। तो ठीक है थैंक सर, थैंक यू जी सर। जी सर तो एआई फॉर भारत में एक बार आप जाकर के बताइए सर। सर कैन आई यस प्लीज। सर, आई हैव पोस्टेड वन MCQ, आई हैव टेकन द चैप्टर 10, चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, एंड देन ओके, फॉर वन पैराग्राफ आई हैव मेड दिस यस MCQ। वेरी गुड, सो आई कैन सी इट हियर। यस हाँ, सो दैट्स वेरी गुड, एक्चुअली यू कुड जनरेट सम कंटेंट, सो वेरी गुड। सो लेट्स मूव अहेड। सर 1 मिनट सर मोर। तो इसमें ना कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो हमें इसे हाँ, शेयर करने तो से पहले देखना हाँ, होगा। तो जी, तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि अभी जो ये जनरेटिव एआई है ना, ये इवोल्यूशनरी स्टेज में है, तो इसमें एरर सभी संभव हैं। तो एरर रहने पे भी आप उस एरर को भी कैसे आप एक एक्टिविटी में बदल सकते हैं, इसलिए मैंने एक आपको ये दिखाया था, ये वाला
जिसमें मैं इसकी चर्चा कर रहा था कि यहाँ पर भी देखिए का लिखा और यहाँ हो गई लिखा, तो जेंडर से रिलेटेड एरर है, तो हमने इसी को आइडेंटिफाई एरर्स एंड ओमिशंस बना के एक टास्क बना दिया। तो इस तरह से आप अपना क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह के एरर्स मिलते हैं तो उसको भी आप क्वेश्चंस किसी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सर आगे सर बढ़ते सर हैं। सर साइडर पे मैंने कर लिया है, एआई साइडर और एआई को अभी भारत थोड़ा सा पॉज पे रखते हैं, एआई पर भारत को। मैं दो तीन चीजें और का बता लूं, इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ही डील करेंगे, वरना मेरा सर दो तीन पेन और। आना शुरू हो गया, हाँ जी, वेरी पेन आना गुड शुरू हो गया, जी, वेरी गुड पेन वेरी गुड साइडर फॉर क्विक एक्सेस वेरी गुड। चलिए अब हम लोग से। दो तीन और टूल मैं बताना चाहता हूँ, वो आप लोग खुद से एक्सप्लोर करिएगा, लेकिन एटलीस्ट लिंक जान लीजिए, क्योंकि अब समय 10 ही मिनट बचे हैं। ठीक है सर, ठीक तो इसका जो ट्रेनिंग डेटा रिपेयर है वो मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को कुछ और लिंक्स पे ले चलता हूँ। देखिए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के लिए सबसे बेसिक चीज होती है शब्दावली, मल्टीलिंगुअल वोकैबुलरी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मल्टीलिंगुअल वोकैबुलरी के लिए मैं कुछ सोर्सेस आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे ये एक भारतवाणी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का, इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें एक जगह ही मिल जाती हैं। ये लैंग्वेज लर्निंग है, इंसाइक्लोपीडिया है, टेक्स्ट बुक्स है, डिक्शनरी है। तो मैं फिलहाल आपको डिक्शनरी दिखाता हूँ। इसमें मान लीजिए हमने कोई एक वर्ड डाला, आर्टिफिशियल, और इसको सर्च किया, तो इससे रिलेटेड अभी देखिए तो इससे रिलेटेड देखिए ये बॉटनी इंग्लिश उड़िया से रिलेटेड हमें जहां जहां यूज है मिलेगा, इसी तरह से फिजिक्स में इंग्लिश हिंदी में कहाँ कहाँ यूज है मिलेगा, हाँ मेडिकल टर्म्स में ये मिलेगा। तो इस तरह से आप जैसे एक एक खोल के देख लेते हैं हम लोग, मान लीजिए हिंदी वाला खोलते हैं, तो ये देखिए निरपेक्ष त्रुटि, अवर्तनांक, ये सब, एब्सोल्यूट रेस्ट, सॉरी ये कुछ और है, हाँ। तो ये आर्टिफिशियल के ये जो रिजल्ट्स हैं ये किन किन सोर्सेज में मिलेंगे उसका लिंक है ये, और इसमें जो लैंग्वेजेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए इतने सारे लैंग्वेजेस, तो कल किसी ने पूछा था कि जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उसके अलावा एक लैंग्वेज का नाम लिया था, तो ये देखिए ये नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे भीली हो गई, भूमिज हो गया, इस तरह से इरुला हो गई, हलाम, इस तरह से डोगरी, डोगरी तो खैर शेड्यूल्ड है, ये लद्दाखी, मैथिली, तो इस तरह से जो नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उनका भी यहाँ पर डेटा बैंक है। तो इसमें आप लोगों को टेक्स्ट बुक्स, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, सारी चीजें मिलती है, मल्टीमीडिया भी मिलती है। ये मल्टीमीडिया एक बार देख लीजिए आप लोग, ये फिलहाल खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक आप लोग अपने सिस्टम पे खोल के देखिए, मल्टीमीडिया अगर खुल रहा हो तो। इसमें मणिपुर के एससीईआरटी ने बहुत काम किया हुआ है, इसके लिंक में आप लोगों को दिखेगा, बहुत सारे ऑडियो बुक्स और ऑडियो फाइल्स मणिपुर के एससीआरटी ने बहुत किया हुआ है, तमिलनाडु के एससीआरटी ने भी बहुत सारा काम किया हुआ है। भारतवाणी खोलने के लिए ईमेल एड्रेस पूछ रहा है हाँ तो भारतवाणी डॉट इन टाइप करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा, और सर, मल्टीलिंगुअल नहीं हो रहा, इसके ओपन अलावा नहीं हो रहा सर। नहीं, सर भारतवाणी ये खोलने के लिए मल्टीलिंगुअल, ईमेल एड्रेस से पूछ रहा सर। हाँ तो वही आपको गूगल से कंटिन्यू करना होगा जैसा साइडर में किया था। अभी अभी रुक जाइए आप लोग, उसको एज अ होमवर्क करिएगा, मैं दूसरी चीज जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ऐसे ही शब्द एजुकेशन डॉट जी ओ वी डॉट इन है, ये भी भारत सरकार का ही एक है, भारत सरकार का इनिशिएटिव है, जो बहुत पहले से है, 1961 से, जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसके लिए है। तो इसमें देखिए ये देखिए आर्टिफिशियल वर्ड का हिंदी में केमिस्ट्री से रिलेटेड जो जो यूज है वो आप लोग को एक जगह यहाँ दिखेगा, ये देखिए
तो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन क्या होता है, कृत्रिम संरक्षण। अगर आपको ये चीज सही नहीं लगी तो आप यहाँ पे ना फीडबैक दे सकते हैं। वो तो अपने काम में देता इसी तरह से एक दूसरा है, लिंग्विस्टिक बात कर डेटा रहे हैं कंसोर्टियम है, ये भी भारत सरकार का ही है, अभी तो आ रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। ये लिंग्विस्टिक डेटा कंसोर्टियम फॉर इंडियन लैंग्वेजेस है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो ऑलरेडी लैंग्वेजेस में ट्रांसफर हो चुके हैं। जैसे ये देखिए, ये बोडो में है, ये डोगरी में, ये गुजराती में। तो इसमें जो टूल्स हैं इस पे हम लोग चलते हैं, तो इसमें अभी फिलहाल अनुवादिका इनका एक्टिव है, तो इसको आप लोग यूज करिएगा। इनका अनुवादिका एक्टिव है, इसको यूज करिएगा आप लोग। जैसे अभी हमने AI फॉर भारत में किया था वैसे ही इसमें, लेकिन ये उसमें था ओरल, मैंने वॉइस कमांड दे रहा था, यहाँ टाइप करना पड़ता है। ऐसे ही एक इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का ऐप है, इंग्लिश प्रो, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए क्विज डिजाइन किया था इस प्रेजेंटेशन पे बेस करके, तो इस क्विज को मैं आप लोगों के लिए चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप लोग इसको भरिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। ये मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, इसमें एक क्विज शेयर किया है मैंने आप लोगों के साथ गूगल लिंक में, इसको आप लोग जवाब देके उसके बाद ही सेशन आज क्लोज करिएगा। अभी 5 मिनट में सेशन क्लोज होने का मैसेज आया है, तो ये मेरा लास्ट स्लाइड है, ये आप लोग देखिए, मैंने थैंक यू, ये जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप देख रहे हैं ये भी AI के द्वारा ही जनरेट किया गया है। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये आपने जो भारत वाणी के बाद जो जो ऐप बताए थे, कृपया उसको फिर से रिपीट कर देंगे क्या? हाँ ठीक है, मैं दोबारा उसको स्क्रीन पे रखता हूँ। ये मैंने दोबारा शेयर किया है, ये देखिए, लिंग्विस्टिक डेटा कंसोर्टियम ऑफ फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, LDCIL, ये LDCIL है। उससे पहले मैंने टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के लिए शब्द डॉट एजुकेशन डॉट जीओवी डॉट इन ये बताया आपको। और ऐसे ही एक इंग्लिश प्रो एक ऐप है, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए भारत की अन्य भाषाओं के थ्रू, उसका नाम है इंग्लिश प्रो, ये इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ने बनाया है, ये एक ऐप है। हाँ, सर, इन तो ये सभी लिंक्स ऐप आप को लोगों को मिल आपने जाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ पीसी पे शेयर होगा, तो डाउनलोड आप करना बेफिक्र होगा रहिए। सारे ना? नीचे वाला जो है ये ऐप है, तो इसको डाउनलोड करना होगा, बाकी तो सारे वेबसाइट्स हैं, तो इनके वेबसाइट में जाके अपने काम की चीज लीजिए और यूज करिए। जी थैंक जी यू सेशन क्लोज होने वाला है, लेकिन कुछ अगर सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर। पीपीटी बीच में कुछ लोगों को, शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, ये PPT सारे शेयर होंगे, जो भी इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जितने प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं सबकी PPT शेयर होगी और आप लोग को एक्सेस करने का मौका मिलेगा। सर बिल्कुल चैट क्वेश्चन सारे इंग्लिश में है, तो थोड़ा हम लोग को उसको जवाब देने में थोड़ी दिक्कत होगी सर। आपने अच्छा, जो क्वेश्चन भेजे हैं तो ठीक है ठीक है। अब आपको जो टूल आज सिखाया है, कोई हड़बड़ी नहीं है, जी ये सर, क्विज क्लोज नहीं होगा, आपको जो टूल सिखाया है उसी को यूज करके ओके सर, आप उसका आंसर ले लीजिएगा। जैसे आपको ट्रांसलेट करना सिखाया ना जी हमने, सर, तो ट्रांसलेट AI टूल को यूज करके और उसका आंसर जनरेट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर वो हाँ भेजे नहीं जा विपिन रहा था। सर सैनिक स्कूल से कहना चाह रहे हैं, जी कहें, अनम्यूट करिए और अपने सवाल करिए। सर आवाज आ रही है? हाँ जी विपिन सर, आवाज आ रही है, कहें। सर मेरा सवाल जो है, आपका सेशन मुझे समझ में आया। जी सवाल ये है कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं सर, आगे चलकर ये प्रभावी कैसे होगी? क्योंकि हमारे जो मान लीजिए भाषाओं की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जी भाषाओं में जो हम एवेल्यूएशन करते हैं वो हम जिस तरीके से करते हैं वो शुद्धता के आधार पर करते हैं। करेक्ट, प्रमाणिक, मानक और शुद्ध भाषा होनी चाहिए, ये हमारी सबसे बिल्कुल पहली शर्त है। जी हाँ जी तो सर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में बच्चा पढ़ करके अपनी भाषा को
मुझे लगता है खराब कर लेगा, जैसे खिचड़ी बन जाना। मैं मानता हूँ जो बात आप बोलेंगे कि मल्टीलिंगुअल होने से बच्चे ज्यादा आसानी से सीख सकेंगे, या फिर जितना मल्टीलिंगुअल बच्चे जो होते हैं उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा होती है, लेकिन जो भाषाई शिक्षक के तौर पे मेरा सवाल है, ये मेरी चिंता है, आप मुझे इसका हाँ जवाब हाँ दे सकते हैं तो बताएं। अब आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, और सर मुझे लगता है अभी कोई बात नहीं कर रहा है तो आप बता सकते हैं जब तक।